पता क्या होता है, देखो अगर हमें ये पता हो ना कि जहालत की कॉस्ट क्या है, तो हमें तालीम सस्ती लगे। यानी कि कितना कितनी कॉस्ट देनी पड़ती है ना पढ़ने की वजह से, किसी नेशन को, किसी फैमिली को, किसी घर के, किसी बंदे को। तो शायद हम लोग जो है ना, हमारे पेरेंट्स को, लेकिन हमने अपने पेरेंट्स के लिए तालीम के हसूल को मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल बना दिया। हमने इतना मुश्किल कर दिया कि वो बेचारा दो दफा सोचता है कि यार पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। जब एक एक सिंगल किताब जो है वो बस मैट्रिक की किताब है, अब वो बच्चा कहीं भी किसी भी जगह पे सिंध में पढ़ा, उसको पता है कि ये वाली किताब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू की है, हुकूमत पाकिस्तान ने, ये वाली किताब है, यही वाली मुझे खरीदनी है और इसी में से पेपर आएगा और इसी कंटेंट को मैंने सीखना और समझना है। अब उसके पास कोई, किसी बंदे के पास कोई जवाब नहीं है कि यार मैं एक और किताब बना दूं आपके लिए। कोई स्कूल नहीं कह सकता कि आप ये वाली हमारे स्कूल की किताब है। जब वो हमारे स्कूल की किताब नहीं कह सकता तो वो अलग से प्रिंटिंग नहीं करेगा, अलग से प्रिंटिंग नहीं करेगा तो वो अलग से पैसे नहीं कमाएगा। जिसको हम खत्म कर सकते हैं, जिसको हम जिससे हम टक्कर ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। एजुकेशन से क्या लगे, क्या फर्क पड़ता है किसी को, बिजनेस प्रायोरिटीज है हमारी, बाकी चीजें। हम तरक्की को समझते हैं, पता क्या, अगर हम 1 अरब रुपया लगाएं और एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, एक पिलर बना दें या एक एक पुल बना दें तो वो नजर आएगा। बनाने वालों की सोच भी यही है और देखने वालों की सोच भी यही है कि दे कैन सी कि देयर इज अ स्ट्रक्चर ओवर देयर, इसने काम किया है। बनाने वालों को भी लगता है कि ठीक है ये बना देंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड एज ए काम। जब आप नेशन को बिल्ड करते हैं, मुल्क को बनाते हैं, तो तब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो नजर नहीं आती है। इट्स अबाउट द थिंग्स जो मैं बता रहा था कि इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। उससे देखो, अगर आपके रोजगार के नतीजे में किसी बंदे का फाइनेंशियल नुकसान हो रहा हो तो इट मेक सेंस, अगर आप कमा रहे हैं किसी का लॉस हो रहा है, दैट मेक सेंस। ये तो आप कमा रहे हो और कौम का नुकसान हो रहा है। और सबसे आसान बात यह, मैं जज्बाती होना चाहता, मैं खत्म करता हूँ। सबसे आखिरी बात यह, ये बड़ी तकरीरें मैं नहीं करता हूँ। आखिरी बात यह कि देखो, अगर हम 70-75 साल से हम नहीं चेंज कर पा रहे अपने आप, अगर हम जो मर्जी डायलॉग बाजियां करते हैं, हम ये कर ले वो कर ले, ये हम नहीं कर पा रहे, देयर इज अ गड़बड़ है बीच में यार। लेट्स ट्राई टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स।